कुछ काम के लिए कलकत्ता आया था। 2-4 दिन में काम खत्म हो गया। फिर मैंने अपना एक दोस्त को फोन लगाया। अरे दादा, क्या खबर भाई? मैं तो कलकत्ता आया हूँ। पुरुलिया जानते हो ना? हाँ पुरुलिया। अरे तो चलो, अगर तुम्हारा अगर छुट्टी मिलता है तो दोनों मिलके घूम के आते हैं। ठीक है, कल हम तो ऑफिस जाते हैं, फिर आपको हम कल कंफर्म कर देते हैं। ओके ओके, बाय बाय बाय। बात तो हो गया दोस्त से, लेकिन अपना किस्मत में बचत लिखा था। मैंने सुना कि पापा का ऑफिस का टूर ही हो रहा है पुरुलिया में, तो हम लोग चल गए उस बस पे। रामकट से पुरुलिया का डिस्टेंस है 340 किलोमीटर। हम लोग रात को 10:30 बजे स्टार्ट किया और बस में बहुत मस्ती करते हुए सुबह को 6:30 बजे बागबुंडी में पहुंचा। अगले दिन सुबह नाश्ता पानी करके करीब 10:30 बजे हम लोग निकले घूमने। हेलो दोस्तों, कैसे है सब? ठीक ठाक? मैं शांतनु, सेट टू गो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल हम लोग जहाँ पे पहुँचे, मतलब जा रहे हैं, ये है माथा पहाड़ बोलते हैं इसको। तो चलिए फिर, बहुत सारे सीढ़ियाँ है यहाँ पे, आपको चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। दोस्तों ये था माथा पहाड़। अभी हम लोग जा रहे हैं पाखी पहाड़। ये पाखी पहाड़ क्यों बोलते हैं? ये एक जो पहाड़ जो है यहाँ का, तो उसमें ना कोई आर्टिस्ट बहुत सारे पंछियों का वैसे पेंटिंग किया था, उसके बाद उसका नाम हो गया है पाखी पहाड़। मेरे पीछे देखिए, ये पाखी पहाड़ जो है वो दिख रहा होगा आपको शायद। तो ये पहाड़ के नीचे हम लोग अभी है, मतलब यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करके फिर थोड़ा सा पैदल आपको जाना पड़ेगा वो जहाँ पे पेंटिंग्स है। तो वही
माखी पहाड़ का पार्किंग लॉट में चाय वाय पी के फिर हम लोग निकल पड़े खैरावाड़ी डैम की ओर। कैसा लगा आपको खैराबाड़ी, ये कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और आगे भी हम चलेंगे दूसरा स्पॉट पे। तो चलते हैं फिर नया स्पॉट पे। दोस्तों मेरे पीछे अभी अभी आपने जो मस्त देखा ये है चड़ीदा गांव बोल के, पुरुलिया में एक गांव है। छऊ डांस जो है पुरुलिया का बहुत फेमस एक डांस, और जैसे कि कथकली हो गया अपना साउथ का और भरतनाट्यम हो गया, वैसे ही यहाँ का एक है छऊ डांस। और ये छऊ डांस में क्या होता है, ये सब मस्त जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये मास्क पहन के फिर डांस करना पड़ता है। मतलब आर्टिस्ट लोग जो लोग डांसर है वो ये मास्क पहन के फिर डांस करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये लोग बना रहे हैं मास्क। We'll be right back.
डे टू में स्पॉट बहुत ज्यादा था, इसीलिए हम लोग सुबह 8:30 बजे निकल गए, क्योंकि आज पूरा अपर पुरुलिया कवर करना था। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे है पुरुलिया का लोअर डैम। फिर हम लोग निकल पड़े अपर डैम की ओर। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, इसको हिल टॉप ग्राउंड बोलते हैं पुरुलिया में। चलिए मैं आपको इसका एक व्यू दिखाता हूँ। हिलटॉप ग्राउंड से निकल के हम लोग चल पड़े मार्बल लेक के ओर, जो कि और एक अच्छा स्पॉट था। और इसी बीच में रास्ते में हम लोगों को कुछ लोकल लोग मिल गए, तो मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाल लिया और वीडियो कैप्चर कर लिया। वहां से निकल के हम लोग फिर पहुंचे मार्बल लेक।
तो दोस्तों कैसा लगा मार्वल लेक ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपको लेके चलता हूँ बामनी फॉल्स में। बामनी फॉल्स देख के फिर मैं चला दुर्गा डैम की ओर। दोस्तों मैं जहाँ पे हूँ यह है दुर्गा डैम। सब लोग आते हैं यहाँ पे घूमने और शाम के टाइम में यहाँ बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू, इसलिए क्योंकि आप इतना देर से जो मेरा वीडियो देख रहे हो, थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, हम लोग जिस होटल में ठहरे थे पुरुलिया में, वो है बागमुंडी में, होटल हिल एवेन्यू। ये इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप फोन करके फिर इंफॉर्मेशन लेके भी जा सकते हैं। बहुत सारे पैकेजेस है उन लोगों का, और खाना रहना ठीक ही था, अच्छा ही था। अभी आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ मेरा इस वीडियो का लास्ट प्लेस जो है उसमें, और वो है बरंती। बरंती एक ऐसा जगह है, मतलब चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है और बीच में एक तो बहुत बड़ा एक लेक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिसॉर्ट वगैरह ये सब मिल जाएगा, और एक दो दिन के लिए कोई अगर आप घूमना चाहे तो ये एक बहुत अच्छा जगह है। कलकत्ता से बहुत इजी एक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देखिएगा इसका व्यू, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Always think of you.